वी ऑल डू रिमेंबर द लेजेंडरी इंटरव्यू सीन बिटवीन अनिल कपूर एंड पुरी फ्रॉम द मूवी नायक ऐसे इंटरव्यू को हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे और भूलेंगे भी कैसे अनिल कपूर जी के क्वेश्चन के सामने अमरीश पुरी की तो पूरी बोलती बंद हो जाती है अमरीश पुरी ना तो कुछ बोल पाते हैं ना ही कुछ कह पाते हैं जिस तरह से अनिल कपूर उनको सवाल पूछते हैं एंड धिस ब्रिंग्स टू टूडे टॉपिक ऑफ नाबार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंटरव्यू प्रिपेरेशन क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारी हालत भी अमरीशपुरी जी जैसी हो इंटरव्यू में सो so, अगर आप चाहते हो कि आपकी हालत भी इस नाबार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू के इंटरव्यू में अमरीशपुरी जी जैसी ना हो तो प्लीज वॉच धिस इंटरव्यू प्रिपेरेशन वीडियो टिल दो एज वी ऑल नो ये सीन हमने सबने देखा है अनिल कपूर इस इंटरव्यू को इतने टेंशन भरे माहौल में क्रिएट करते हैं इतने सवाल पूछते हैं और इस तरह से पूछते हैं कि अमरीतपुरी एक दिन के लिए सीएम अनिल कपूर जी को बना देते हैं और साथ ही साथ वी ऑल नो वॉट द मूवी एम आई राइट सो ऑन टूडेज ओकेजन लेट स्टार्ट दीडियो विदेरेशन फॉर नाबार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंटरव्यू प्रिपेरेशन एंड द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि उस नायक मूवी में तो बस एक ही इंटरव्यूअर था अनिल कपूर बट नाबार्ड में ट्वेंटी टू ऐसे चार से पांच अनिल कपूर हो आपके इंटरव्यू पैनल में तो आपकी हालत अमरीतपुरी से भी बदतर हो सकती है बट डोंट वरी अबाउट दैट वी आर हिथ यू एंड अगर आप रियली really चाहते हो कि आपकी हालत इंटरव्यू में अमरीशपुरी जी जैसी ना हो तो लेट्स बिगेन दिस वीडियो एंड ट्राई टू लर्न ट्राई टू गेट आउट सम टिप्स एंड ऑल्सो डिफरेंट पॉइंट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फर्स्ट हैंड ओके सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड यूर एनिमी अपने दुश्मन को जानना एज वी ऑल नो इफ अ पर्सन डजेंट नो हिज एनिमी वेल ही बैटल जो भी इंसान अपने दुश्मन को ठीक से नहीं जानता है वो पहले ही रणभूमि में हथियार छोड़ चुका है और पहले ही रणभूमि हार चुका है ऐसा क्यों कहते हैं इट्स बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेर यू आर गोइंग आप कौन से इंटरव्यू में जा रहे हो दैट ऑलवेज मैटर बिकॉज यूपीएससी इंटरव्यू इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग इंटरव्यू द बैंकिंग इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डिफेंस इंटरव्यू द डिफेंस इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडीज इंटरव्यू सो यू शुड नो फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग इज द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन वॉट वे द आर द्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि यूपीएससी इंटरव्यू और मे बी अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू ले ले तो दोनों इंटरव्यू काफी डिफरेंट होते हैं जैसे कि मे बी बैंकिंग इंटरव्यू इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि वॉट इज द शेयर ऑफ आर आर बीज इन बिटवीन सेंटर स्टेट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक बट यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछने के अलावा दे मे इज द रोल ऑफ आर आरबी इन रूरल डेवलपमेंट सो दोनों के द वे इन विच द क्वेश्चन इज आस्ट एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन इट से

आप सब जितने भी फोर नाइन टू कैंडिडेट्स है उन्होंने फेस टू क्लियर किया है इसका मतलब क्या है फेज टू क्लियर किया मतलब हंड्रेड परसेंट आपके पास नॉलेज है तो नाउ दिस नॉलेज टॉपिक्स आर कंटेंट इज नाव कन्वर्ट दिस टॉपिक्स कन्वर्ट दिस और आर टॉपिक इंटू क्वेश्चन एंड एंसर बिकॉज इफ फेज टू इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंसर्स और मे बी एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मे बी नाबार्ड

इन ईच सेक्शन कलेक्ट द कंटेंट कलेक्ट द टॉपिक्स एंड कन्वर्ट दो इन टू डिफरेंट क्वेश्चन एट लीस्ट यू शुड है गुड आंसर फॉर दीज क्वेश्चन यू कैन ए सी इन इंटरव्यूज सो फर्स्ट हो गया अपना ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सेकेंड हो गया अपना ए आर डी दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड सो हियर एज इट इज एन नाबार्ड रिलेटेड एग्जाम हि यू कुड बी आस्ट static questions related to agriculture as well as rural and development now these static questions may be totally static or may be related to your regions from where you belong so for example tell me some crops from your region what is the climate conducive for different crops in your region what is the difference between uh, your crops and your besiding states okay or maybe if you are uh, residing in two to three states, maybe for education you have gone for uh, other state, so they may also ask you the difference between the different agriculture as well as rural development scenario in those particular regions. So therefore, you should also make a second notebook for A I D related stuff. Third is biodata related. Now what comes in biodata as we already discussed in biodata? First is your personal information, then comes personal information in the sense. How much languages you are knowing what's your name what's your father's occupation these are personal things which you should be knowing about and you should be well prepared okay second thing is uh, second thing is to know the educational qualification so in educational quali qualification many btech graduates commerce students uh, as well as different educational qualification related questions may be asked to you and therefore maybe be college related whatever graduation you have done all the questions could be asked in the biodata detail. Then next comes after educational qualification, are two to three important sections. First is prize medals and scholarships which you have got. Then is any particular uh, hobbies or extracurricular activities you have gone through or participated in, then any particular training or experience. Okay. And then comes at last the work experience now many questions may be asked to you from these sections for example you are an engineer okay in your graduation so there may be a question to you as you are an engineer as you are as you can be employed scalably why you are trying for Nabad? why you are turning towards an uh, agricultural uh, organization or maybe Nabad? and what is the reason what is that driving force which brings you to us other question could be questions related to your hobbies also what are your hobbies what are your interests do you do it in your free time okay anything for example if painting and sketching is your hobby so they may also ask you what are different types of paintings uh, uh, do you know uh, difference between mural paintings uh, do you know some uh, ancient paintings okay they may ask you questions about modern art okay as this is your hobby you should not only have interest regarding it but also should have background Information related to those topics. If you have achieved certain medals, scholarship, if you are a gold medal holder in an athletic event or maybe a, a trophy winner at university level uh, in cricket, then definitely questions from cricket, chess, athletics, whatever you have participated, these questions are very handy for the interviewers and they may ask you such questions. Questions such as if you are playing cricket, then what is the color of the thread of the pink ball? ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ, आप बोलोगे कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे बट एज यू आर एन क्रिकेट इंथ्यूज आपको क्रिकेट बहुत पसंद है तो इंटरव्यूअर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। is nothing but we have to understand कि आप बायोडेटा में जो भी लिख रहे हो आपने जो भी लिखा है उससे आपको सवाल पूछा जा सकता है सो so कल आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो ओके देन कम्स करंट अफेयर्स सो करंट अफेयर हैज डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स स्पोर्ट्स सेक्शंस नोबल रिसेंटली डिक्लेयर तो ऐसे पॉइंट को आप जॉट डाउन कर सकते हो क्योंकि इंटरव्यूअर्स आपको रिसेंट जो भी करंट अपडेट्स या फिर वट एवर करंट अफेयर्स आर गोइंग ऑन अराउंड ग्लोब इंटरव्यूअर्स में आस्क यू जस्ट टू गेट एन आइडिया हाउ मच अपडेटेड यू आर यू कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो रिगार्डिंग इट द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमी एंड सोशल इशूज यू कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन इकोनॉमी एंड सोशल A notebook on uh, economy and social issues and in that you can write different schemes so for example pm kisan for example pm uh, uh, pm eishman so all these schemes are very very famous and as we all know these repeat in phase one also in phase two also so definitely interviewers may ask you certain questions maybe they ask you uh, what is the relevance of uh, mg narega they may ask you uh, has M uh, mg narega helped in the employment Crisis in context of India. Uh, they may also ask you about uh, the doubling fa the farmers' income. This is also a scheme which is related to economic and social issues. So you should have and sufficient information regarding economic and social issues and whatever latest current trends and updates are coming in the PIB section. So make again a notebook on this. Then comes banking and finance. Now in banking and finance, if you see, then there also current affairs related questions are there. Those also you can jot down. So, for example, you can take an example of recent updates from the banking and finance uh, section. So, first is central, uh, uh, central banking digital currency (CBDC). So, they may ask any question on CBDC. They may ask you difference between CBDC and UPI payments. They may ask you future and scope of CBDC. So, any such questions may be framed out from the current affairs itself, which comes uh, from in the newspaper. So. ऑल दीज से आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एआरडी बायोडेटा करंट अफेयर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंस इन सारे टॉपिक्स को रिलेटेड आप एक एक नोटबुक डालिए और इन हर एक नोटबुक में टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन और उसके एंसर फ्रेम कीजिए ओके एज यू विल मेक दिस नोटबुक्स यू कैन ऑल्सो एड द्वेश मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स एंड यू कैन ऑल्सो डू अ रिहर्सल डू अ रिहर्सल इन फ्रंट ऑफ मिर ओके सो रिहर्सलटेंट वी टेक और वट वी कंसिडर दैट इंटरव्यू शुड गिव इट कैजली हर एक के दिमाग में यह आता है एसपीरेंट या फिर कैंडिडेट के कि वो इंटरव्यू को बहुत ही हल्के में लेते हैं और बहुत ही कैजुअली लेते हैं ओके वी शुडेंट भी डूइंग लाइक दैट आप रिहर्सल कर सकते हो एज यू विल प्रिपेयर दिट्स नोटबुक्स यू आर हैविंग फोर हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड क्वेश्चन रिलेटेड टू ईटॉपिक यू कैन रिहर्स with your friends you can uh, re rehearse with your uh, maybe whoever your peers are uh, whoever your uh, students or maybe your group is who are preparing together and what you can do is that you can ask each other question you can practice it in front in front of mirror uh, maybe also uh, getting totally dressed up and following all the routine throughout the interview that will make you prepare for the real time interview okay so this was all about interview preparation now then comes

Okay? और अगर आपको उसका आंसर आता है और भले ही नहीं आता है यू शुड बी कम सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट हैव एनी आंसर सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू अ रीजन सच सच एज विदर्भ और मराठवाडा फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इफ दे आस्क यू सर्टन इरिगेशन प्रॉब्लम और मे बी दे आस्क यू क्रॉप रिलेटेड टू दैट रीजन एंड इफ यू डोंट नो दैट So you should be even calm if you don't know the answer. You should be saying, I apologize, or maybe I'm sorry, sir, I don't know about it. This is the way of handling the questions too. So first thing is that you should be calm. Second thing is composure. Composure is about having the physical manifestation of calmness. So, what is composure? So, if they are asking you any question, maybe a question related to role of RRBs, okay, question related to role of. आरआरबीज और मे बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर उन्होंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा है तो यू कैन नॉट जस्ट गिव द आंसर हैपहैजर्डली ओके तो रैदर देन गिविंग आंसर्स हैपहैजर्डली आप एक स्ट्रक्चर बनाइए आपके माइंड में टेक टू टू थ्री सेकेंड्स हैव अ कंपोजर एंड गिव द आंसर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे सो दैट इज कंपोजर देन कम्स कॉन्फिडेंस सो वी ऑल नो दैट इट डजंट मैटर्स व्हाट कार्ड्स वी आर हैविंग इन अवर हैंड इट रैदर मैटर्स हाउ डू वी प्ले हमारे हाथ में कौन से पत्ते हैं ये मैटर नहीं करता है हम उसको हम उन पत्तों को कैसे खेलते हैं मैटर करता है सो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस तो अगर उन्होंने आपसे पूछा कि वॉट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन दिस इनफ कॉन्फिडेंस टू टेल दैट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम और यू विल फाइंड मी इन द सेम लाइन नेक्स्ट टाइम आई अगेन प्रिपेयर फॉर नाबार्ड और मे बी यू शुड टाइम My hard work will pay and I would be selected this time itself. So this should be the answer and this answer shows the reflection of your confidence. Then comes clarity. There is certain times हमने बहुत बार ये देखा है कि students जो होते हैं उनके पास बहुत knowledge होता है, उनके पास बहुत content भी होता है और interviewers जो उनको question पूछ रहे हैं उसका answer भी उनके पास होता है but they fail to give a clear answer. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भी ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट प्लीज टेल मी वॉट आर द डिफरेंट रीजन एज द इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग इन द कंट्री वॉट आर आर द डिफरेंट रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इन्फ्लेशन इन द कंट्री नाउ इफ अ कैंडिडेट इज वेल अवेयर अबाउट द इन्फ्लेशन सिनेरियो इन द कंट्री अगर उसको आंसर पता भी है बट इफ इट लैक्स द क्लैरिटी देन वॉट विल हैपन ही कैन नॉट स्ट्रक्चर द एंसर प्रॉपरली वो ना तो आंसर स्ट्रक्चर कर पाएगा ना ही उससे ठीक ढंग से बता पाएगा सो टू प्रिवेंट दैट देर शुड बी क्लैरिटी इन यूर कम्युनिकेशन ऑल्सो क्लैरिटी इन ऑल्सो एक्सप्रेसिंग यूर थॉट सो दैट द इंटरव्यू पैनल अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल वॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर मेकिंग एंड देट येस दिस कैंडिडेट्स नोस समथिंग देन कम्स कंसाइजनेस कंसाइजनेस इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन एज वेल एज एक्सप्रेसिंग यूर थॉट सो वेन एवर यू आर एंसरिंग एनी ऑफ द एंसर विच Uh, any of the questions which interview panel is asking you have to be concise so nabard ka jo specifically regulatory bodies ka interview hota hai nabard ka specifically it's for 15 to 20 minutes so aap hi imagine kijiye ki 15 to 20 minutes mein aapko bahut sare questions puche jayenge so you don't have a lot of time with you agar aapne ek question pe hi 5 se 6 minute agar aapne waste kiye so more number of questions cannot be asked to you so it is actually a चैलेंज टू यू देअर फोर यू शुड बी वेरी वेरी कंसाइज सो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू पैनल ने आपको पूछा दट टेल मी ओनली थ्री प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय टूडे फार्मर्स अगर उन्होंने ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा एज वी ऑल नो फार्मर्स के रिलेटेड तो बहुत सारे प्रॉब्लम है लेकिन इंटरव्यू पैनल ने आपको बस थ्री तीन ही सवाल तीन ही पैरामीटर पूछे दैट वॉट आर थ्री रीजन गिव मी जस्ट थ्री रीजन और फार्मर्स तो यू हैव टू गिव थ्री चैलेंजेस सो यू कैन गिव एनी चैलेंजेस फर्स्ट कुड बी लैंड रिफॉर्म सेकेंड कुड बी मे बी अनबिलिटी ऑफ द कैपिटल थर्ड कुड बी इरेग्युलर मॉनसून ना दीस थ्री रीजन आर इनफिस थ्री चैलेंजेस आर इनफर्स्ट पॉइंट दम आउट

और ये इस वजह से होता है बिकॉज वी इधर लैक क्लैरिटी एज वेल एज वी लैक कंसाइस तो होता यह है जैसे कि सेम क्वेश्चन अगर हम एग्जाम्पल ले, ले अगर आपसे पूछा गया टेल मी थ्री फेसिंग मे बी इफ आई गिव टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दी इन वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून तो डेफिनेटली मैं इंश्योरेंस सेक्टर को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम उसके रिलेटेड एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सो दिस इज वॉट बींग कंप्लीटनेस So give your answer completely and in a concise way. And last is concreteness. So concreteness is all about whatever you are saying, whatever arguments you are presenting, whatever facts you are giving, whatever opinions you are giving. Those should not be personal. Rather, they should be backed by the any of the facts, any of the reports, as well as uh, whatever we have read with certain reasoning, proper reasonings, as well as certain logic. So, for example, if you कोई भी पूछे कि वॉट एवर इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इज गवर्नमेंट हैंडलिंग दैट इन्फ्लेशन प्रॉपरली इज आरबीआई एबल इनफ टू हैंडल द इंश्योरेंस वॉलिसी इज दैन दैट इज प्रॉपरली अगर ऐसा सवाल पूछा गया सो डेफिनेटली वट इज कॉन्क्रीटनेस कॉन्क्रीटनेस इज यू शुड बी एबल टू गिव इन्फ्लेशन डेटा टू देम सो एज यू विल मेक एन आर्ग्यूमेंट तो आप सीपीआई डेटा को बैक करके या फिर आरबीआई के जो एन्युअल रिपोर्ट उनको बैक करके आप बता सकते हो दैट दिस इज द्वार्टरली इन्फ्लेशन सीनेरियो एंड गवर्नमेंट थ्रू एम पी सी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज ट्राइंग टू हैंडल दिस सीनेरियो इन सच वे सो दिस इज वॉट कॉन्क्रीटनेस इज सो दीज आर दीज दिसवनसी एंड आई थिंक इन इंटरव्यू दिस विल हेल्प यू लॉट अलवेज रिमेंबर दैट दिस सेल्प यू अलॉट द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनलाइजेशन सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो कि अमृतपुररी यहां पर बोल रहे हैं मैं हूं कौन और ये इंटरव्यू मैं क्यों दे रहा हूं सो व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें खुद के बारे में वी शुड है इनफ इंफॉर्मेशन दैट इज वॉट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सो फर्स्टली यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट यू

फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू पैनल ने पूछा दैट वाई डू यू सिलेक्ट नाबार्ड एज यूर करियर अपॉर्चुनिटी तो उसका आंसर आपको सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही आएगा ये आंसर आपको किसी नोटबुक में नहीं मिलेगा मोर द क्वेश्चन मोर मोर द आंसर इज थ्रू सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोर दैट आंसर वुड बी लुकिंग एज ओरिजिनल एज वेल एज ऑनेस्ट ओके और जितना आंसर ऑनेस्ट रहेगा और ओरिजिनल रहेगा उतना वो आंसर इंटरव्यू पैनल को भाएगा

फेज टू या फिर फेज वन की तरह क्वेश्चन एंड आंसर का का सिनेरियो नहीं नहीं है वो वो आपको आपको किसी भी स्कीम कॉर्पस पूछेंगे पूछेंगे डेफिनेटली ये कि स्क्रैप्ड और मे बी फॉर द रूरल डेवलपमेंट सो दिस इज हाउ इंटरव्यू पैनल और मे बी दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू इज

Suppose there is an engineering graduate, he goes for an interview and interview panel asks him that why do you choose NABARD as you may get employment other side, why you are choosing NABARD? Then if you give an answer that maybe uh, you want to contribute to the rural development, that's why you are joining the NABARD. Then interview panel asks you if you really want to help for the rural development, why don't you start NGO? Why don't you start self-help group? Why don't you join other rural development organization? Why specifically NABARD? अब इस सिनेरियो में आप देख सकते हो कि इंटरव्यू पैनल कैसे क्वेश्चंस की ग्रिलिंग कर रहा है स्टूडेंट की या फिर कैंडिडेट की तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो देर आपके ऊपर देर वुड बी बोमवार्डमेंट ऑफ क्वेश्चन देर कुड बी मल्टीपल क्वेश्चन आज टू यू फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक आपको डर नहीं जाना है एंड इट इज नथिंग लाइक कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाए सो यू विल गेट ए निगेटिव मार्क इवन इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर हैंडलिंग द क्वेश्चन ज इंपॉर्टेंट रैदर देन गिविंग सो ऑलवेज रिमेंबर दिस हैंडल द्वेश्चन विदिडेंस विथ काम एंड कंपोजर तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है Then comes balanced views. So, for example, जैसे यहां पर अमृतपुरी जी बोल रहे कि यार ये गवर्नमेंट बिक गई है so, जैसे कि सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज इंटरव्यू पैनल ने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि वट डू यू थिंक अबाउट डबलिंग दमर्स इनकम दो हजार बाईस हो गया है अब तक डबलिंग द फार्मर इनकम इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट तो आपने बिल्कुल ये नहीं बोल बोलना है कि ये तो स्कीम बकवास है फार्मर का इनकम भी डबल नहीं हुआ और गवर्नमेंट पागल है और कुछ भी नहीं कर रही है एंड दिस स्कीम इज टोटल वेस्ट एंड वी शुड स्क्रैप इट सो यू शुड बी यू सेव अ बैलेंस्ड व्यू ना वॉट कुड बी अ बैलेंस्ड व्यू बैलेंस्ड व्यू कुड बी येस देर आर सर्टन सेक्टर्स इन विच द डेवलपमेंट इन कंटेक्स ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज फार्मर्स इनकम हैज बिन डन Farmers' economic activity has been done viable. He has been given different opportunities, platforms such as Enam, etc. etc. The farmers' agriculture produce has been made readily available at the marketplaces, but the way is much more ahead, much more improvements are required. Post-harvest technology is required. Logistics sector has to be developed in this way. I think no wonder our aim of doubling the farmers' income. We are walking towards it, but देर आर मच मोर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो ऐसे आप बैलेंस एंसर दे सकते हो इवन इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट दैट क्रिटिसिजम शुड बी वॉट एवर क्रिटिकल बोथ द साइड पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम रैदर देन जस्ट ब्लेटंट क्रिटिकल एनालिसिसके सो अंडरस्टैंड दिस सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वट एवर फार्म लॉज विच वेर इंप्लीमेंटेड फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट सो वॉट डू थिंक अबाउटे तो यहाँ पर आप कोई भी एक एक्सट्रीम एंड का व्यू पॉइंट नहीं ले सकते हो यू कैनॉट इधर से दैट दिसर इलिगल गवर्नमेंट हैज इन्फोर्स एंड गवर्नमेंट इज रॉन्गर एंड नीधर वी कैन से फार्मर्स हैड एन एजेंडा हिस्टर कोई भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्टिंग द फार्मर्स फार्म लॉज वे आर वेरी गुड बट फार्मर्स फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट अपोज डेट सो दो भी व्यू पॉइंट बहुत ही एक्सट्रीम हो गए हैं सो यू शुड है इंटेंशन ऑफ द फार्म लॉज वॉज वेरी वेरी करेक्ट दीज फार्म लॉज वेर विजन फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटीज बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज नॉट टेकन प्रॉपरलीउट फ्रॉम दर्टन सेक्शन ऑफ फार्मर्स द मीडियर्स रोल वॉज ऑल्सो क्वेश्चने अवेयरनेस अबाउट द फार्म लॉज

हमें लगता है वाह क्या बैलेंस बैलेंस व्यूज व्यूज है एंड द इज वेरी 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 एप सो फॉर आर इंपॉर्टेंट देन कम्स बॉडी लैंग्वेज अब ये याद रखना कि जैसे पुरी हाथ वगैरह उठा रहे हम ऐसे इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं कर सकते यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अंडस्टैंड इज एन स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज एंड देर आर थ्री एस्पेक्ट्स फर्स्ट इज हैंड मूवमेंट ओके पहली चीज है हैंड मूवमेंट सेकेंड इज आई कॉन्टेक्ट एंड थर्ड इज फेस एक्सप्रेशन सो फर्स्ट इज हाई मूवमेंट so your hand movement there are many videos even by anuj sir also on the youtube so you should know what are certain uh, like body language as well as hand movement principles regarding the interviews so uh, कुछ लोग होते हैं जो कि अपना पैर हिलाते हैं या जा फिर ज्यादा हैंड मूवमेंट्स करते हैं फिंगर पॉइंटिंग करते हैं so, ऐसी मूवमेंट्स बिल्कुल वी हैव टू प्रिवेंट और नॉट डू ड्यूरिंग दी इंटरव्यूज इन इंटरव्यूज यू शुड बी काम इनफ एज वेल एज यू शुड बी फॉर्मल मोस्ट ऑफ द टाइम Then comes eye contact, maintaining a proper eye contact with all the panel members who are asking you the questions, giving him a eye contact as well as a pleasurable smile. That is very, very important for any of the interview. And then comes face expression. Now, you shouldn't get so much excited when you give an answer and neither you should get so much sad when you are not giving an answer. So the best face expression in an interview would be maintaining, maintaining a good eye contact

कि पॉलिटिशियंस काला धंधा करते हैं लेकिन सफेद कपड़ा पहनते हैं सो इन सेम वे अमीर अमरीशपुरी सपोज मोगैम्बो की तरह अगर ड्रेस पहन के आ जाते तो क्या वो सीएम लगते बिल्कुल नहीं लगते सो इन सिमिलर वेज आप इंटरव्यू में टी शर्ट वगैरह पहन के नहीं जा सकते सो आई एम नीदर सेइंग दैट यू शुड बी स्पेंडिंग सो मच मनी दैट यू शुड बी गोइंग एंड बाइंग एवरीथिंग स्टफ बट यू शुड बी डिसेंटली हैविंग अ फॉर्मल अटायर विथ यू सो वॉट कुड बी अ फॉर्मल अटायर Uh, tapering pants, white shirt, uh, a tie, a black blazer or a suit, uh, black shoes. This could be a decent att attire to go. Okay. So have your decent attire. There has been many videos even by Anut sir made on this topic too. So dress code is very very important because it's your first impression of any candidate to the interview panel. Okay. And also it's very very important that you keep that dress code very very formal. ड्रेसिंग लाइक यूर फैशन देर ओके इट्स मोर अबाउट हाउ मच कंफर्टेबल यू आर इन अ पर्टिक्यूलर सूट और पर्टिक्यूलर ड्रेस एंड हाउ मच कंफर्टेबली यू आर प्रेजेंटिंग यूर पर्सनैलिटी आउट टू द इंटरव्यू पैनल ओके दिस वॉज अबाउट ड्रेस कोड देन इज थिंक बिफोर सेव यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कोई भी इंटरव्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सो सपोज इफ यू आर आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन सच एज

सो थिंक स्ट्रक्चर आंसर एंड देन गिव यू आंसर ओके एंड देन कम्स एन अपॉर्चुनिटी टू शो यूर पर्सनैलिटी वॉट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी टू शो यूर पर्सनैलिटी नाउ लेट मी कंक्लूड टू यू की जो भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं ये दिस इंटरव्यू इज नॉट एन क्वेश्चन आंसर अफेयर धिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू यू टू शो दवर्नमेंट ऑफिसर्स एवर आर इन इंटरव्यू पैनल टू शो यूर पर्सनैलिटी टू देम यू हैव टू अंडरस्टैंड

this is an opportunity to show your personality to them go prepare well and just go inside and experience the whatever the communication or maybe whatever the uh, communication is happening during the interview okay so that brings to us uh, to the end of the video and here we could actually analyze and actually say that in during this interview preparation as now the video is completed you would get an idea कि अगर सही में आपकी हालत अमरीशपुरी जी, जी जैसी आप नहीं चाहते हो तो आप इन सारे जो भी हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया उनको फिर से देख सकते हो एंड डेफिनेटली फॉर प्रिपरेशन यू कैन स्टार्ट विथ योर नोटबुक प्रिपरेशन फर्स्ट सो दैट ईच सेक्शन यू आर प्रिपेयर्ड विथ यू आर हैविंग मल्टीपल क्वेश्चन देन विद दैट मल्टीपल क्वेश्चन बुक्स विथ योर पीस विथ योर friends you can start your interview rehearsals in front of mirrors as well as with your friends so that's it from my side we'll end it here and we'll see you next time